हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ शीतल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, सेफ होंगे और मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को तहे दिल से नमस्कार। और आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जब आप लॉकडाउन में ट्रैवल करते हैं इंटर स्टेट, एक जगह से दूसरी डिस्ट्रिक्ट, एक जगह से दूसरी जगह या एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करते हैं, तो आपको कर्फ्यू पास बनाना जो कि गवर्नमेंट ने जरूरी कर दिया है, तो आपको सबसे पहले अपना कर्फ्यू पास अप्लाई करना है। और ये कहाँ अप्लाई करना है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो सबसे पहले अपना लोकल जो सब डिवीजन आपका पड़ता है उसकी ऑनलाइन साइट पे जाके आप कर्फ्यू पास बनवा सकते हैं और वहीं पे इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। जब आपका कर्फ्यू पास बन जाएगा तो उसके बाद जब आप ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो क्या क्या आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं और क्या क्या आपको चीज़ें जो चाहिए आपके साथ ताकि आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, वो डिस्कस करेंगे छोटी सी इस वीडियो में। और जिन भाई लोगों ने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और आपकी सपोर्ट से ही हमें हौसला मिलता है। मैंने कल ही ट्रैवल किया है, अभी मैंने अपने लोकल जो एरिया पड़ता है मेरा ज्वालाजी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, तो वहाँ से मैंने ट्रैवल किया है अब यहाँ पे धर्मपुर अपने डिस्ट्रिक्ट सोलन में। तो कल मैं आया तो मेरे को 6 जगह पुलिस ने रोका जहाँ पे कर्फ्यू लग रखा था, तो वहाँ पे पुलिस ने रोका और क्या क्या उन्होंने मेरे से पूछा और क्या क्या चेक किया वही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इस सबसे पहले आपके पास जब भी आपका कर्फ्यू पास आ जाएगा उसे डाउनलोड कर लें और इसकी पीडीएफ फाइल अपने फ़ोन में सेव कर लें, ताकि आप जल्दी से जब भी आप इसे कोई पुलिस वाला या कोई ऑफिसर आपसे पूछता है तो आप एकदम उसे दिखा सकें, या फिर उसकी जो आपकी फोटोकॉपी निकाल के रख लें अपने पास ताकि आप एकदम से दिखा सकें। क्योंकि सबसे पहले जब भी आपको पुलिस रोकेगी आपका कर्फ्यू पास ही पूछा जाएगा और उसके बाद आपकी एंट्री वगैरह आपको साइड वहाँ रोका जाएगा और आपकी एंट्री वगैरह पूरी फिलअप की जाएगी, और उस दौरान आपका जो डॉक्यूमेंट है आपके बाइक के डॉक्यूमेंट या गाड़ी के डॉक्यूमेंट भी पूरे होने चाहिए। क्योंकि मैंने कल ही ट्रैवल किया और मैं बाइक से यहाँ पे आया हूँ तो मैं अकेला था, तो मेरे से एक जगह पूछा गया मेरे ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में, डॉक्यूमेंट चेक नहीं हुए। पर मेक श्योर कि आप जब भी ट्रैवल करें तो अपने पूरे डॉक्यूमेंट अपने साथ रखें। मेरे पास तो मेरे पूरे डॉक्यूमेंट थे ही, तो पर मेरे से ओनली ड्राइविंग लाइसेंस ही पूछा गया एक जगह, और बाकी क्या क्या डिटेल फिल की जाती है। तो सबसे पहले आपसे आपका जो कर्फ्यू पास देखा जाता है और किस सब डिवीजन से आपने वो बनवाया है वो पूछा जाता है और उसकी डिटेल फिल की जाती है, और वहाँ पे फिल करा जाता है कि आप कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं और क्यों जा रहे हैं वहाँ पे, और एंड में जो आपका जो कर्फ्यू पास नंबर एक अवेलेबल रहता है वो वहाँ पे फिल किया जाता है जो डिटेल फिल होती है। तो तभी मैं बोल रहा हूँ कि उसकी एक पीडीएफ फाइल या एक फोटोकॉपी अपने पास रखें ताकि आप एकदम से अपनी डिटेल बता सकें, ताकि आपका टाइम वेस्ट भी ना हो ज़्यादा। क्योंकि मेरे को 6 जगह रोका गया और हर जगह कम से कम 10 से 15 मिनट इजली लग रहे थे, तो आप सोच सकते हैं कि कम से कम अप्रॉक्स 1 से 1.5 घंटा मेरा जो है वहीं डिटेल फिल करने में ही लग गया सारा। तो यही है, और कुछ वीडियो मैंने ये शूट करी है छोटी छोटी पॉइंट्स की, कहाँ कहाँ जब मैंने ट्रैवल किया ज्वालाजी से मैं नदौन आया, नदौन से हमीरपुर, और हमीरपुर के बाद मैं घुमार में होता हूँ बिलासपुर से, बिलासपुर के बाद यहाँ अपना जो पड़ता है भराड़ीगाड़ से अर्की, और अर्की से यहाँ धर्मपुर सोलन। तो ये मेरा रूट था। तो इस छोटे छोटे क्लिप और कहाँ मेरे को पुलिस ने रोका वो इस वीडियो में मैं शेयर कर रहा हूँ, और कहाँ कहाँ जो है वो आपको अपनी जो जानकारी जो जहाँ जहाँ आपको अपनी डिटेल फिल करवानी पड़ती है कहाँ कहाँ मैं रुका वो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। और जिन भाई लोगों ने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और आपकी सपोर्ट से ही हमें हौसला मिलता है। तो ये देखें छोटी सी वीडियो, चलते हैं वीडियो में। कुल नदौन के पास जो कांगड़ा हमीरपुर का बॉर्डर है यहाँ पर, तो देखते हैं सिचुएशन रहती है यहाँ पर। यहाँ पर ये आगे नाका आई थिंक पुलिस वाले मिल सकते हैं हमें, और वैसा ही कुछ देना सोलन। हाँ पास देखना आपने, मेरा नाम शीतल, शीतल हाँ जी।
मैं यहीं से ऊपर मजीन से। हाँ जी धर्मपुर सोलन धर्मपुर। हाँ जी हाँ जी जॉब करता हूँ वहाँ पर। हाँ जी बस तो यहाँ पे पहली जो चेकिंग हमारी हो गई है और हमें जाने दिया है आगे। ये डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर और कांगड़ा का ये बॉर्डर है। नदौन अभी हम क्रॉस कर देंगे 5 मिनट में। और ये पुल और नीचे ये नदी ब्यास रिवर का ये ऑसम व्यू। हाँ सर मैं जा रहा हूँ सोलन। मैं ऊपर मजीण से। हाँ जी अभी हमने क्रॉस कर लिया है फ्रेंड्स। पहुंच चुके हैं डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में और शायद अभी पुलिस ना मिले बिलासपुर तक। जब हम डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में इंटर करेंगे तब चेकिंग होगी। आपने देखा यहाँ पे रोका गया मुझे और जो पास है कर्फ्यू पास वो चेक किया गया। खुशी की बात कि पेट्रोल पंप खुले हैं। एक मैकेनिक की शॉप भी मिल जाए तो अपना काम चल पड़ेगा। अभी भी हूँ मैं बस नदौन के बिल्कुल पास। तो
इंटर कर लिया है हमने फाइनली डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में, और अब शायद ही कहीं पास अब चेक हो आगे कि बॉर्डर जहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं वहीं पे चेकिंग हो रही है। बारिश बूंदाबांदी हो गई है नदौन में ही मुझे। थोड़ा सा साथ दौन ये देख सकते हैं आप बस स्टैंड का ये व्यू, सारी बसेस रुकी पड़ी हैं यहाँ पर। अरे हमीरपुर पुलिस की ये चेक पोस्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस वाले खड़े हैं गुवारमी के पास थोड़ा आगे।